हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, कोशिका चक्र क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। ये पहला पार्ट है, इसके बाद भी कई पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कहलाता है। यानी कोई एक कोशिका है और उससे नई कोशिका का बनना, यानी जनन कोशिका से या जनक कोशिका से नई पुत्री कोशिका का बनना ही क्या कहलाएगा, सेल डिवीजन कहलाएगा, यानी कोशिका का विभाजन कहलाएगा। स्टार्स बर्गर ने प्लांट सेल पादप में सेल डिवीजन का अध्ययन किया था। याद रखिएगा, स्टार्स बर्गर ने प्लांट कोशिका में सेल डिवीजन का अध्ययन किया था और डब्ल्यू फ्लेमिंग ने एनिमल सेल जंतु कोशिकाओं में विभाजन का अध्ययन किया था। दो वैज्ञानिक हैं, एक है स्टार्स बर्गर, इन्होंने प्लांट कोशिका में कोशिका विभाजन का अध्ययन किया था। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने एनिमल सेल जंतुओं में कोशिका विभाजन का अध्ययन किया था। सेल डिवीज़न की प्रक्रिया तीन प्रमुख चरणों में होती है, यानी जो ये कोशिका का विभाजन होता है, एक कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण जब होता है तो उसमें तीन मुख्य चरण होते हैं। नंबर वन, डीएनए तथा जीनोम का प्रतिकरण या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी जो डीएनए होता है उसमें प्रतिकरण होता है, यानी एक डीएनए से कई डीएनए प्रतियों का निर्माण होता है या अपने समान डीएनए की प्रतियों का निर्माण करते हैं। सेकंड, केंद्रक विभाजन, या केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस भी कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो बीच में केंद्रक होता है उसका विभाजन होता है। नंबर थ्री, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य का विभाजन, और साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि केंद्र के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यानी सेल डिवीजन में ये तीनों क्रियाएं होती हैं, डीएनए का प्रतिकरण होगा, केंद्रक विभाजन होगा, साइटोप्लाज्म का कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सेल साइकिल या कोशिका चक्र किसे कहते हैं, कोशिका विभाजन तो जान गए कि एक कोशिका से नई कोशिका का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। अब सेल साइकिल क्या है, ये कोशिका चक्र क्या है। किसी सेल के निर्माण से लेकर उसके पुनः विभाजन द्वारा संतति कोशिका के बनने तक होने वाली प्रक्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं। चक्र या साइकिल का मतलब होता है पुनः वहाँ पर वापस आ जाना। तो किसी सेल के निर्माण से लेकर पुनः विभाजन द्वारा संतति कोशिका के बनने तक होने वाली प्रक्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं। अब सेल साइकिल या कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, दो अवस्थाएं होती हैं। नंबर वन है अंतरावस्था या इंटरफेज, इसी को वृद्धि अवस्था भी कहा जाता है। नंबर दो है विभाजन अवस्था या डिवीज़न फेज, इसी को एम फेज भी कहा जाता है। कितनी अवस्थाएं सेल साइकिल की, कितनी अवस्थाएं हैं, दो अवस्थाएं, अंतरावस्था या इंटरफेज या वृद्धि अवस्था और विभाजन अवस्था या डिवीज़न फेज या एम अवस्था होती है। कोशिका चक्र, कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं होती हैं, अंतरावस्था और विभाजन अवस्था। अंतरावस्था या इंटरफेज अवस्था, इसे वृद्धि अवस्था या विश्राम अवस्था या विभाजन पूर्व अवस्था भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसे वृद्धि अवस्था, यानी यहाँ पर कोशिका वृद्धि करेंगी, विश्राम अवस्था, विश्राम करेंगी, विभाजन पूर्व अवस्था यानी विभाजन होने की पहले की अवस्था अंतरावस्था कहते हैं। इसमें सेल के अंदर पदार्थों का संश्लेषण होता है जिसके बाद सेल विभाजन के लिए तैयार होती है। इस अवस्था में केंद्रक उपापचय में तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, G1 S और G2 अवस्था होती है। यानी कि जो अंतरावस्था होती है उसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन, G1 S, G2 या G0 अवस्था होती हैं। अब देखिए, G1 अवस्था या विश्राम की अवस्था पूछा जाए या कोशिका विभाजन की पहले की अवस्था पूछा जाए तो वो कौन सी अवस्था होती है, अंतरावस्था होती है या इंटरफेज होती है। अब इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, इसकी तीन अवस्थाएं हैं, G1 S, G2 और G0 अवस्था। तो G1 अवस्था, इसे प्रारंभिक वृद्धिकाल अवस्था अथवा प्रथम अंतरकाल, अंतरावस्था काल कहते हैं।
यह 12 घंटे की होती है। यह अवस्था जो होती है सबसे लंबी अवस्था है। डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डीएनए का निर्माण यहाँ पर नहीं होता है। किस अवस्था में? जीवन अवस्था में। जबकि आरएनए, लिपिड, प्रोटीन और क्रोमोसोम, कार्बोहाइड्रेट आदि का संश्लेषण होता है। या डीएनए की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेल का आकार बढ़ जाता है। इस अवस्था में उपापचयी दर भी अधिक होती है। यानी जो जीवन अवस्था होता है वह अंतरावस्था की सबसे लंबी अवस्था होती है। कितने घंटे की? 12 घंटे की होती है। और इस अवस्था में आरएनए का संश्लेषण नहीं होता, जबकि आरएनए, डीएनए का संश्लेषण नहीं होता, जबकि आरएनए का, लिपिड का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। सेकेंड है एस अवस्था। एस अवस्था को संश्लेषण अवस्था या दूसरा चरण डीएनए सिंथेटिस फेज भी कहा जाता है। यह अवस्था 6 से 8 घंटे की होती है। जैसे कि डीएनए सिंथेटिस अवस्था कहते हैं तो इसमें डीएनए का निर्माण होता है या संश्लेषण होता है। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे डीएनए 2C है तो दुगना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। ऐसा अवस्था 6 से 8 घंटे की अवस्था होती है और ऐसा अवस्था को संश्लेषण अवस्था कहते हैं और ये दूसरी अवस्था है। तीसरा चरण है G2 अवस्था या तृतीय वृद्धि काल अवस्था या वर्धन काल, अंतराकाल अवस्था। यह अवस्था 4 घंटे की होती है। इसमें सेल डिवीज़न के लिए आवश्यक प्रोटीन आरएनए का संश्लेषण होता रहता है। माइटोकांड या क्लोरोप्लास्ट, तारकाय या सेंट्रोसोम दुगने हो जाते हैं। यह पश्च डीएनए संश्लेषण की अवस्था कहलाती है। पश्च डीएनए संश्लेषण की अवस्था कौन सी कहलाती है? तृतीय अवस्था या G2 अवस्था कहलाती है। G0 अवस्था, इसे प्रशांत अवस्था भी कहा जाता है, यानी इसे विश्राम अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं निष्क्रिय सक्रिय रहती हैं। ठीक है, इसे प्रशांत अवस्था, ये सेल अवयवों को संश्लेषित नहीं करते हैं, उपापचयी रूप से सक्रिय रहती हैं और ये माइट्रोजन तत्व तो नहीं होते हैं। इसकी 4 अवस्थाएँ हैं, जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था और G0 अवस्था। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जीवन अवस्था होती है, जीवन अवस्था, तो जीवन अवस्था को सबसे लंबी अवस्था कहा जाता है। एस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है और विश्राम पूर्व अवस्था कौन सी होती है? अंतरावस्था होती है। G0 अवस्था भी कहा जाता है। और भी ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।